है वेलकम गाइस, वेलकम बैक इन माय नेक्स्ट गेमिंग वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग इस ट्रक, जो अनजान ट्रक खड़ा हुआ है, अनजान नहीं है बेसिकली, हमारी ट्रक है, इस ट्रक को लेके जाएंगे। इसका कुछ समझ में आना नहीं है। पिछली बार पता नहीं यहाँ पे हमने इसकी डिलीवरी की थी, बट पता नहीं क्या है। अच्छा, ये कंटेनर हमने लीज पे ले रखा है और ये ट्रक भी लीज पे ले रखा है, तो इसकी नेक्स्ट जॉब पिक करते हैं। और चलिए नेक्स्ट जॉब पिक करता हूँ और आगे की बातें बाद में। तो ट्रक कौन, ओके, नेक्स्ट स्टॉप पिकिंग एड्रेस हम डाल चुके हैं। मैं ठीक है, वाइपर्स ऑन कर लेते हैं। वट इज़, कहाँ पे ले जाए, इधर मिलाना था। मैं भोते हुए भी नहीं चला पा रहे, वही सही से ट्रक। ये फिर ये पेट्रोल पंप है मेरे भाई, यहाँ पे नहीं, इधर इधर इधर, यस। और ये जो गेट है ना, यहाँ से अंदर जाना है। ठीक 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 है, ठीक है, ट्रक को यहाँ पे पार करते हैं। मैं इसको बंद कर देता हूँ, ट्रक से बाहर चलते हैं। ये ट्रक कहाँ जा रहा है, इसमें पार्किंग ब्रेक इंगेज नहीं की हमने। पार्किंग ब्रेक इंगेज करो, नहीं तो ये ट्रक पता नहीं कहाँ जाएगा। चलिए अब चलते हैं बाहर। देखें, यस, तो पार्किंग ब्रेक लगाने काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। जॉब, अब इसमें वही भेड़ बकरी वाली जॉब ही आने वाली है, तो कोई सी जॉब उठा लेते हैं। डिस्टेंस कम ही रखने वाले हैं, क्योंकि ये वाली रख लेते हैं, कंफर्म करते हैं इसको बैक और फटाफट से पिक करते हैं। चलिए पिकअप लोकेशन पे चलना है। पार्किंग ब्रेक हटा लेते हैं। यहाँ से लेफ्ट लेना है, ट्रेलर चेंज करेंगे हम लोग इस डिलीवरी के बाद, क्योंकि भेड़ बकरी डिलीवरी करने के लिए ट्रक थोड़ी लिया है भाई, कुछ और भी करना है। चलिए चलिए ठीक है, यहाँ से हमको गाड़ी लोड करवाना है। परफेक्ट, एक्स्ट्रा पॉइंट चाहिए क्या, नहीं चाहिए, ऐसे ही कर दो तुम तो लोड। ठीक है, ट्रक लोड हो चुका है, चलते हैं अपने डिलीवरी लोकेशन पे। डिलीवरी लोकेशन मैप में शो हो रही है वापस से, टारगेटेड। ये बंद कर लेते हैं ना, वाइपर्स, राइट, लाइट्स ऑन,
क्योंकि नाइट हो रही है और नाइट टाइम में विदाउट लाइट्स के ट्रक क्या यार भाई चलना थोड़े से रूल्स तोड़ दिए हमने फर्स्ट में ही। कोई बात नहीं, सिग्नल था बेसिकली वहाँ पे वो, तो हमने वो सिग्नल क्रॉस कर दिया। क्या कर दिया? अच्छा ट्रेन आ रही है। मैं डर गया कि पुलिस वुलिस तो अचानक से ये घंटियाँ बजने लगी। मुझे लगा कि पुलिस को तो किसी को तो ठोक ठाक के नहीं आ गए अपन कि इमरजेंसी अप्लाई हो गई डायरेक्ट। चलो ट्रेन निकल रही थी भाई, रेलवे फाटक था। हाँ लास्ट टाइम हम लोग रेलवे फाटक क्रॉस करके ही इस सिटी में एंटर किया था। हाँ सही है सही है। तो वापस रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस करके ही हमको वापस सिटी से आउट भी होना पड़ेगा। केबल लाइट ऑन कर लेते हैं। ठीक है यहाँ से हमको जाना है लेफ्ट, सॉरी राइट, रोड ही राइट जा रहा है, बाकी गाड़ी थोड़ी सी कंट्रोल में रखनी पड़ेगी। यहाँ से फिर टर्न है, गो स्ट्रेट। अभी आए हम लोग हाईवे पे। चलिए अब हाईवे पर आ चुके हैं, अब नो टेंशन, अब सिर्फ एक्सीलेटर देना है, फटाफट से गाड़ी को इसकी लोकेशन पे पहुंचाना है और आपके लिए वीडियो डालना है, क्योंकि अभी तो अपलोड होने के बाद ही देख पा रहे होंगे ना आप, ये रिकॉर्ड भी तो हो रही है ना, तो मैं रिकॉर्डिंग के टाइम पे बोल रहा हूँ, आप अपलोडिंग के बाद इसको देख रहे हो। दैट इज़ जॉक, डोंट लाफ। इस चीज़ पे हंस सकते हो कि मुझे जॉक मानना नहीं आया। 76, 78, 90, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 89, 90। बढ़िया स्पीड ले रहा है भाई। ये लाइट्स लॉन्ग विजन में क्यों नहीं आ रही है? ठीक है ये वन वे हाईवे है क्या? अच्छा वन वे हाईवे, उस साइड में है एक और हाईवे, तो इधर कोई सीन ही नहीं है कि रॉन्ग साइड से कुछ गाड़ी आई।
विंडोज़ ओपन करेगा, विंडोज़ क्लोज ही रहने देते हैं। सोचने वाली बात पता है क्या, इतनी स्पीड में ये जो पीछे हैं हमारे पास जो माल है, भेड़ बकरियाँ, भेड़ है बेसिकली, तो इनको हवा नहीं लग रही, लगना लग रही होगी पता नहीं, ऐसे ही जस्ट कुछ नहीं बोल रहा था तो कुछ बोल दिया। ओ, ठीक है, अभी सीधे आ जाती ट्रक। था नॉइस ट्रक के बाहर, इतना नॉइस आ रहा है, विंडोज़ हमने ओपन करके नहीं रखी है इसलिए आपको नॉइस नहीं फील हो रहा है इतना ज़्यादा, नहीं तो बाहर तो बहुत नॉइस है भाई। ट्रक है, कार थोड़ी है तो आवाज़ नहीं करेगी, ट्रक है करेगा आवाज़, हक से करेगा आवाज़। रेड लाइट किसी से नहीं कहना, रेड लाइट तोड़ दी मैंने, रात में तो लाइट्स बंद होती है ना भाई, क्या आया। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन लाइट, ये सर्कल क्रॉस करके अब मुझे जहाँ तक लग रहा है कि हमारी डेस्टिनेशन आ जाएगी। राइट, अब हमारी जो इसकी जो लोकेशन है, डिलीवरी एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच गया, बच गया भाई, बच गया। काफ़ी तेज जा रहे थे हम टर्न पे, 40-50 की स्पीड में शायद लिया था टर्न, पता नहीं, पर काफ़ी स्पीड थी वो। इतनी स्पीड से ट्रक की स्टीयरिंग काम नहीं कर पाई, स्टीयरिंग तो ठीक है पर टर्निंग रेडियस ज़्यादा होता है ना ट्रक का। ये आ गई हमारी लोकेशन और यहीं पे हमको इन शिप को प्लेस करना है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सफ़र था, काफ़ी टर्न्स आए थे बहुत ज़्यादा, और यहाँ से राइट साइड में हमको इसको डिलीवर करना है। लगता है ऐसे ही कि जैसे वहीं से वहीं आ गए, बट ये लोकेशन डिफरेंट है। यहाँ पे रास्ता होना चाहिए इसका, ये रहा ट्रैक्टर, ऐसे ट्रैक्टर हर एक शिप व्यापारी रखता है, देखो आप। और अब हम लोग ट्रक को लगाएंगे पार्किंग, पार्क परफेक्ट, इसको जैसा चाहते हो वैसा लगा देंगे भाई, लो पार्क परफेक्टली लगाते हैं। ट्रक से बाहर चलते हैं ताकि देख ले कहाँ पे लगाना।
ओ भाई लाइट गई। ठीक है राइट, ट्रक डिलीवर सक्सेसफुली। और भाई बिजली कितनी कड़क रही है, इतनी ज़ोर ज़ोर से काहे कड़क रही हो। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।